हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई यूनिट मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे डेंड्राइट सॉल्टिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, और कूलिंग कर्म फॉर ए प्योर मेटल कि प्योर मेटल के लिए कूलिंग कर्म हमारी किस तरह से होगी और उसकी जो भी डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कि जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस चीज की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो भी हमारा मटेरियल रहेगा, मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर ग्रेन साइज का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हमने बात करनी है इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रेन साइज हैज ए मेजरेबल इफेक्ट ऑन द मोस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कि जितनी भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक मेजरेबल इफेक्ट पड़ता है ग्रेन साइज का। जैसे कि हमारी याइल्ड स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम हार्डनेस की बात करें, इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है, फटीग है, शियर स्ट्रेस है, तो इन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ग्रेन साइज का। ग्रेन साइज का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि ऑल इंक्रीज कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑल इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज कि जैसे जैसे हम ग्रेन साइज को डिक्रीज करते जाएंगे, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, याइल्ड स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फटीग है, हार्डनेस है, तो वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन जो ग्रेन साइज है, उन ग्रेन साइज को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करते जाना होगा। याइल्ड स्ट्रेस इज मोर डिपेंडेंट ऑन ग्रेन साइज कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बजाय जो हमारी याइल्ड स्ट्रेंथ होती है, वो याइल्ड स्ट्रेंथ ज्यादा डिपेंड करती है ग्रेन साइज के ऊपर। ग्रेन साइज डिक्रीज होंगी, बाकी जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल जो भी स्ट्रेंथ वगैरह रहेगी, स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें हार्डनेस है, जो फटीग है, तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, इंक्रीजनेस आएगी, वो इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेन साइज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि इट हैज ए मेजरल इफेक्ट ऑन, इट हैज ए मेजरेबल इफेक्ट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, जो भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, लाइक जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस याइल्ड स्ट्रेंथ फटीग, याइल्ड स्ट्रेंथ हार्डनेस फटीग, और हमारा कौन सा है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ डिक्रीज ग्रेन साइज कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ वगैरह होगी, और सारी जो भी, चाहे वो इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या फिर हमारी हार्डनेस है, फटीग है, तो ये सारी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद डिक्रीज ग्रेन साइज, और हमारे जो ग्रेन साइज है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी याइल्ड स्ट्रेंथ होती है, ये ज्यादा डिपेंड करती है, याइल्ड स्ट्रेंथ इज मोर डिपेंडेंट ऑन ग्रेन साइज, किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, ग्रेन साइज के ऊपर, डिपेंडेंट ऑन ग्रेन साइज कि अगर हम ग्रेन साइज की बात करें तो याइल्ड स्ट्रेंथ ज्यादा डिपेंड करती है किसकी तुलना में, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की तुलना में जो याइल्ड स्ट्रेंथ होगी, ये क्या करेगी, याइल्ड स्ट्रेस जो हमारी होगी मोर डिपेंड होती है, यानी कि ज्यादा डिपेंडेंट करती है हमारे किस चीज के ऊपर, जो ग्रेन साइज होते हैं उनके ऊपर। तो ग्रेन साइज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या बात की कि इट हैज ए मेजरल इफेक्ट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कि जितनी भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ग्रेन साइज का। जैसे कि हमारी एट रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो हार्डनेस है, याइल्ड स्ट्रेंथ है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, फटीग है, और हमारी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये क्या होती है, आर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज कि ये सारी क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हमारे ग्रेन साइज क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसके अलावा जो हमारी याइल्ड स्ट्रेस होती है, ये ज्यादा डिपेंड करती है, मोर डिपेंडेंट ऑन ग्रेन साइज अदर देन
टेंसाइल स्ट्रेस, कि जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी तुलना में जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये मोर डिपेंड करती है, ज्यादा डिपेंड करती है किन चीज के ऊपर, ग्रेन साइज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बाइनरी अलॉयज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा होगा बाइनरी अलॉयज। बाइनरी अलॉयज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बाइनरी अलॉय। तो देखो बाइनरी अलॉयज कौन से होते हैं, कि दीज आर द कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटालिक एलिमेंट्स। कि जो हमारे बाइनरी अलॉयज है ये क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन है। किस चीज का, एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का, कि इट इज ए सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। टू हमारे एलिमेंट्स या टू मेटालिक एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। एंड दिस टाइप ऑफ अलॉय मोर डिपेंडेंट ऑन द हीट ऑफ फॉर्मेशन। कि जो इस तरह के हमारे अलॉय होते हैं ये मेनली डिपेंड करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर, कि जो भी हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उस हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे हमारे बाइनरी अलॉय। तो बाइनरी अलॉय के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कि these are the combination of consisting two metallic elements, कि ये क्या है, बाइनरी अलॉय एक तरह से कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, दो मेटालिक एलिमेंट्स का, जो हमारे मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उन चीजों का कॉम्बिनेशन है। एंड द टाइप ऑफ अलॉय दैट फॉर्म डिपेंड ऑन द हीट फॉर्मेशन। और ये जो टाइप ऑफ अलॉय होते हैं ये डिपेंड, बाइनरी अलॉयज आर डिपेंड ऑन, बाइनरी अलॉयज आर डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। डिपेंड ऑन इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन, कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी जिसको हम लिखते हैं डेल्टा, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा एच ए, तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या डिपेंड करेगी, जो बाइनरी अलॉयज है, कि जो टाइप ऑफ अलॉय है, जो बाइनरी टाइप्स ऑफ अलॉय होते हैं ये डिपेंड किस चीज पे करते हैं, डिपेंड करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो किस चीज, किस तरह से है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे हमारी बाइनरी अलॉयज। तो बाइनरी अलॉयज के बारे में पता लगा कि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसिस्टिंग टू मेटालिक एलिमेंट्स। कि जो बाइनरी अलॉय है दो मेटालिक एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर जो बाइनरी अलॉय है डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड करते हैं हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। कि जो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी उस हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे हमारे बाइनरी अलॉयज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, बाइनरी अलॉय के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर रूल के बारे में। कि लीवर रूल क्या होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लीवर रूल। लीवर रूल, तो देखिए लीवर रूल के अंदर क्या आ जाएगा, कि द लीवर रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन। जो हमारी मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को और मास फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे लीवर रूल को। कि लीवर रूल इज यूज्ड, या फिर हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन ऑफ ईच फेस ऑफ बाइनरी इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम। कि जो हमारा बाइनरी फेस, बाइनरी इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम होगा, उस डायग्राम के अंदर मास फ्रैक्शन को और मोल फ्रैक्शन को दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस रूल का यूज कर रहे हैं या जिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है, उसको बोल देते हैं लीवर रूल। तो हम लिखेंगे कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, एंड मास फ्रैक्शन।
कि मोल फ्रैक्शन और जो हमारा मास फ्रैक्शन होगा इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन ऑफ ईच फेस ऑफ ईच फेस ऑफ बाइनरी इक्विलिब्रियम, बाइनरी इक्विलिब्रियम कि जो हमारा बाइनरी इक्विलिब्रियम रहेगा, बाइनरी इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम, जो बाइनरी इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए जो हम रूल यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो रूल कहलाता है हमारा लीवर रूल। उस लीवर रूल को क्या बोलते हैं, लीवर रूल। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेसेस फॉर ए गिवन बाइनरी कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, कि हमारे पास क्या है बाइनरी कंपोजिशन वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो उनके अंदर जो फ्रिक्शन है, कौन सी फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड एंड फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड है उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं लीवर रूल का। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड जो भी लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं कई बार जो लीवर रूल रहेगा। इसके अलावा फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेस फॉर ए गिवन बाइनरी कंपोजिशन एंड टेम्परेचर That is between the solid and liquid and solid lines. कि जो solid और liquid lines के बीच में friction है और solid faces का binary composition है, तो वहाँ पे friction को determine करने के लिए हम use करते हैं lever rule का, कि it is also used to determine the friction of liquid and solid face and solid face for a given कंपोजिशन, फॉर ए गिवन कंपोजिशन की जो हमारी कौन सी रहेगी, गिवन कंपोजिशन है, फॉर ए गिवन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, फॉर ए गिवन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर दैट इज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड लाइन, जो कहां पे है लिक्विड और सॉलिड लाइन के बीच में, टेम्परेचर दैट इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड लाइन्स, सॉलिड एंड लिक्विड लाइंस, कि जो सॉलिड और लिक्विड लाइंस के बीच में क्या है टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर कहाँ पे है, जो भी सॉलिड और लिक्विड लाइंस के बीच में है उनको डिटरमाइन करने के लिए, सॉलिड फेस को और फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए लिक्विड के अंदर, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वो यूज हम कर रहे हैं लीवर रूल का। तो एक बार देख लीजिए लीवर रूल के अंदर हमने क्या बात की है, कि लीवर रूल क्या है, कि इट इज यूज टू डिटरमाइन द, हमने बात कर रहे हैं लीवर रूल के बारे में, तो लीवर रूल के अंदर क्या लिखा, इट इज यूज टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन, कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए, कहां पे, ऑफ ईच फेस ऑफ बाइनरी इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम, कि जो बाइनरी फेस डायग्राम रहेगा हमारा, बाइनरी फेस डायग्राम के अंदर मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हम लीवर रूल का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेस, कि हमारा एक सॉलिड फेस है, सॉलिड फेस के अंदर और लिक्विड फेस दोनों के अंदर फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हमारे लीवर रूल का, किसका यूज कर रहे हैं लीवर रूल का। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय, नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय, ठीक है शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय। तो देखिए सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय क्या होते हैं, ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म, कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है हमारे पास किस चीज का, सब्सटेंस का, किस फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, कि ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म mixture of substance in
कि हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है, किस चीज का यूनिफॉर्म मिक्सचर है सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। और हमेशा जब भी हम बात करेंगे किसी भी सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, एटम्स होंगे, कि सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट शेयर ए क्रिस्टल लैटिस, जो क्या कर रहे होंगे, एक क्रिस्टल लैटिस को शेयर कर रहे होंगे, एटम्स होंगे या फिर उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए consist of two or more atoms or molecules, two or more atoms or molecules that share a crystal lattice, जो क्या कर रही हैं, एक क्रिस्टल लैटिस को शेयर कर रही हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा मच ऑफ स्टील, कि जो स्टील होता है इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कि मोर जो भी हम ज्यादातर स्टील यूज कर रहे हैं, जो हमारा स्टील अलॉय होता है, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय होते हैं, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं कि स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, कि एक तरह से कार्बन और जो हमारा आयरन का एक सॉल्यूशन होता है जिसका हम यूज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कि इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन कि जो हमारा स्टील होता है इसका हम यूज कहां पे कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा, वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा आयरन और कार्बन का जिसका हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील के रूप में। तो सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय के अंदर देख लीजिए कि ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है किस चीज का, सब्सटेंस का, कि यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म, कि सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय क्या है, एक यूनिफॉर्म हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है सब्सटेंस का जो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। इसके अलावा ए सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, जो भी हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस रहेंगे उनके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, जो क्या दैट शेयर ए क्रिस्टल लैटिस, जो क्या कर रहे होंगे, एक क्रिस्टल लैटिस को शेयर कर रहे होंगे। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वो आयरन और कार्बन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि उन दोनों के अंदर क्या होगा, कार्बन भी होगा और आयरन भी होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। इसके लास्ट हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में, टॉपिक रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। कि थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होगा, किस तरह से हम इसको कंसिस्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम में। तो सबसे पहले क्या हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम का। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा, जो हमारा डायग्राम रहेगा वो डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरह से बना होगा, जिसके अंदर क्या होगा, नीचे हमारे पास क्या होगा, मेटल की परसेंटेज होगी और ऊपर की साइड हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर। कि यहाँ पे जो हमें मेंशन हमने किया है वो हम कर रहे हैं टेम्परेचर, और नीचे जो हमारा रहेगा वो होगी परसेंटेज ऑफ मेटल। नीचे हमारी क्या रहेगी, परसेंटेज ऑफ मेटल की कितनी परसेंट हो, सॉलिड लिक्विड और जो हमारी थर्ड रीजन रहेगी गैस रीजन, उसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या रहेगा 100, यहां से शुरू कर देंगे 100 200 300 400 500 600
700 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 800 कि यहाँ तक हमारा क्या है एक रीजन है जो कंसिस्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे इनके सामने लाइन आ जाएगी कि जो हमारी लाइन रहेगी कि 600 के ऊपर 500 400 300 200 और 100 ये हमारी लाइन कौन सी रहेगी जो 100 के अंदर कंसिस्ट कर रही है। तो यहाँ से 400 की लाइन के ऊपर क्या होगा इस तरह से एक लाइन बनी होगी तो ये हमारी लाइन रहेगी और इसके ऊपर क्या होंगे अलग अलग से वो रीजन बटे होंगे कि जो सॉलिड सॉल्यूशन के ऊपर होगा मान लीजिए ये हमारा ए है यहाँ पे होगा बी पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी पॉइंट रीजन होगा तो ये पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा सी पॉइंट रहेगा। तो जब हम बात करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बना होगा जो हमारा डायग्राम होगा वो डायग्राम क्या होगा ठीक है इस तरह से एक डायग्राम तैयार होगा आपका इस तरह से कर्व की फॉर्म में एक डायग्राम बना होगा। तो ये जो डायग्राम रहेगा इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे ये हमारा कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। ये डायग्राम हमारा कौन सा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारा ए वाला रीजन होगा ए रीजन सेकंड हमारा कौन सा था बी रीजन थर्ड हमारा कौन सा था सी रीजन कि जो हमारा ए और बी के बीच का रीजन होगा उस रीजन को हम बोलते हैं सॉलिड लाइंस। वो हमारी होती है सॉलिडियस लाइन उसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड लाइंस। नेक्स्ट जो हमारा होता है सी रीजन वाला होता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड रीजन। ये जो लास्ट पे होगा ये हमारा कहलाएगा सॉलिड रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे सॉलिड रीजन। और जो हमारा बीच वाला होगा ये हमारा रहेगा पेस्टी रीजन इसको हम क्या बोलेंगे पेस्टी रीजन। इसी तरह जो हमारा अपर ऊपर वाला रीजन रहेगा ये रीजन हमारा कहलाएगा लिक्विड रीजन। इस रीजन को हम बोल देंगे लिक्विड रीजन और ये वाला साइड जो रीजन होगा ये हमारा कहलाएगा लिक्विड लाइन। इस लाइन को हम क्या बोल देंगे ये लाइन हमारी कहलाएगी लिक्विड लाइन। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि यहाँ पे नीचे परसेंटेज 10% 20% 30% 40% 50% 60 70 80 90 और 100। तो नीचे हमारी क्या है परसेंटेज है किस चीज की परसेंटेज है जो मेटल की परसेंटेज रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम के अंदर। तो ये क्या है इट इज ए स्पेशल डायग्राम। ये हमारा क्या है एक स्पेशल डायग्राम है विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज दैट टेक प्लेस इन अलॉय कि जो हमारे अलॉय है अलॉयज के अंदर जो चेंज आ रहे हैं उस चेंज को डिफाइन करने के लिए उस चेंज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं। वो डायग्राम हमारा कौन सा कहलाता है उसको हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। वो हमारा डायग्राम कौन सा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो हम क्या लिखेंगे इट इज ए स्पेशल डायग्राम या फिर इट इज ए स्पेशल डायग्राम इट इज ए स्पेशल डायग्राम विच गिव्स इंफॉर्मेशन जो क्या करता है इंफॉर्मेशन देता है which contain information about changes that take place in कि जो changes हो रहे हैं take place in alloy alloy के अंदर जो भी changes हो रहे हैं उन चेंजेस की इंफॉर्मेशन कंटेन होती है हमारे एक स्पेशल डायग्राम के अंदर। उस डायग्राम को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। इसके अलावा द टेंपरेचर एट विद ए पर्टिकुलर अलॉय चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ थर्मल ट्रांसमिशन की थर्मल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है कि अलग अलग हमारे टेम्परेचर होंगे अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा जो अलॉय की पोजीशन होगी वो क्या होगी डिफरेंट रहेगी कि इसी टेम्परेचर के ऊपर अलॉय की पोजीशन किसी अलग रीजन के अंदर होगा नेक्स्ट हमारे जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर जो अलॉय की पोजीशन होगी वो क्या रहेगी अलग रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर अलॉय द टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर अलॉय है चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड किसके
किसके अंदर जो चेंज हो रहा है, किसके अंदर लिक्विड से सॉलिड के अंदर, की चेंज इनटू लिक्विड टू सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ, जब यहां पे इतना कि लिक्विड टू सॉलिड कि जो भी हमारा फेस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलॉय चेंज हो रहा है किस तरह से, जैसे जैसे वो क्या हो रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि द टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर अलॉय चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है हुआ, उस टेम्परेचर के ऊपर क्या रहेगा जो हमारा लिक्विड है वो चेंज होगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर होगा। तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, जो डायग्राम वो इस चीज को दर्शाएगा कि जिस फेस के अंदर जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है लिक्विड से सॉलिड के अंदर। तो वो डायग्राम जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो डायग्राम हमारा कौन सा कहलाएगा, उस डायग्राम को हम बोल देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है मेटलर्जी, जिसके अंदर हमने बात की मेटलर्जी के बारे में, इसके अलावा कूलिंग कर्व के बारे में, डेंड्राइट सॉलिडिफिकेशन के बारे में, लीवर रूल के बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय के बारे में, और लास्ट हमने बात की हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की कि टेम्परेचर शो करवाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, जिसके अंदर क्या होता है जो अलॉय है वो चेंज कर रहे हैं फेस को, यानी कि चेंज प्लेस हो रहे हैं लिक्विड से सॉलिड रीजन के अंदर आ रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड हमारे जो करवा रहा है डायग्राम, वो डायग्राम हमारा कौन सा रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम।